आरआईएसएफ में आप ये मान लो 2800 प्लस आरएसी अगर अलग से आएगी तो 1000 प्लस, ठीक है, और सीटी 10 प्लस 2 पुलिस, जिला पुलिस, जिला पुलिस, तो इसके हमारे पास में 3578 अनुमानित पद। एएसआई 1000, एसआई 450 प्लस। ये जो है पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए, ये आगे का सुनहरा भविष्य है, कैलेंडर है, आप इसको देखकर तैयारी करें और पढ़ें। आप हमारे पास में आ सकते हैं आर्यावर्त एकेडमी जयपुर, जिसका आज सोमवार था, ठीक है, तो आज से बैच शुरू हुआ है। अब आपको इसमें नहीं आना है, आपको जो अगला सोमवार आ रहा है, कब, मंगलवार, सॉरी मंगलवार हनुमान जी को वार है, 1 अगस्त 2023 मंगलवार से शुरू होने वाले बैच में आरएसी आरआईएसएफ के लिए आपको पहले से ही अपनी सीट जो है बुक करनी पड़ेगी, वरना फिर आप कहोगे कि हम तो मर्ज करके बैठे जाते हैं, हमको फाउंडेशन बैच में बिठाया जाता है। और इसी के अंदर मैंने यहां पर ऑफलाइन का नया बैच प्रारंभ राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर फाउंडेशन बैच शुरू किया है, यानी मैं आपको बता रहा हूं 45 × 3 तो प्लाटून कमांडर अभी हम पढ़कर गए हैं, ठीक है, कितने 135 नए पद तो ये अभी हमारे सामने है, और 100-200 और जुड़ेगा, तो अपने ये मान लें कि 500 एसआई की भर्ती का अपने एक आकलन कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर अपने कहें लड़कियां तो लड़कियों के पद मान लो आप इसमें 100 होंगे, तो लेकिन लड़कियों के पास में एएसआई है, उनके पास में तो 1000 पद है, तो ये जो एएसआई की तैयारी करेगी वो एसआई की भी तैयारी कर सकती है, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। और खास बात एक जो लास्ट में सबको भयभीत कर गया था मैं पिछले वीडियो में, क्योंकि पहले हलचल थी कि महिला बाल अपराध हटाया जाएगा, अब वापस ये सूचना मिली है कि महिला बाल अपराध नहीं हटाया जाएगा, और इसी माह जुलाई के अंदर ही इन दोनों की विज्ञप्तियां आने की संभावना है। 3-4 दिनों के अंदर पुलिस विभाग एक नए रूल बना रहा है जिसमें कुछ जरूर हटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस जो है इस बार तय कर सकते हैं वो, और इसमें कुछ नया होगा, ये अभी चल रही है प्रक्रिया। अब आपके जो कमेंट वगैरह है वो मुझे बता दो, आरआईएसएफ का सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी का सिलेबस बता देता हूं मैं, ठीक है, इन दो के अंदर हिंदी और इसके अलावा जीके वाला पार्ट जो है उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, इनके अंदर अपने देखते हैं तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, ये चार चीजें आपको इसमें अलग देखने को मिलती है, तीन चीजें सिर्फ सॉरी, और बाकी इन सब के अंदर यही चीजें रहती है, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इसमें आ जाती है, और उसके अलावा विज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, इनका पेपर आसान आएगा, इनका पेपर आसान होता है, ये आप विशेष कर ध्यान रखें, जो तैयारी इनकी करता है वो इनका भी आवेदन कर सकता है। और कोई सवाल, राजस्थान पुलिस का फिजिकल कब से होगा, ज्यादा फोकस किस विषय पर करें, ज्यादा फोकस मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, ये बस इंडिया जीके, बीच वाला पार्ट जो हमेशा है वो पुलिस का कहां से पूछा जाता है, क्या प्रश्न आते हैं ये नहीं पता। हाँ, इनमें हो सकता है कि एएसआई के अंदर आपके लिए इंग्लिश विषय जो है वो एक देखना पड़े स्पेशल एएसआई के लिए। हाँ, अब आप लोग वह विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएं जिनकी 10वीं पास है, 10वीं पास, ठीक है, और कम से कम ज्यादा नहीं, मुझे 50% 45% अगर अंक है तो मुझे कमेंट कर दे, इससे कम अंक वाला मुझे नहीं लगता कि वो और मेहनत कर पाएगा,
ठीक है, तो आप बता देना आपके परसेंटेज कितने हैं, दसवीं पास आप हैं, कौन कौन दसवीं पास है जो ये तैयारी कर सकता है। बैंड के अंदर जो है अलग से आएंगे पद, उसके अंदर पेपर नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन आकर मिल सकते हैं कल 2 बजे बाद।